हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष जैन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल इन का नया सेक्शन, दैट इज सेक्शन 15। देखिए, अब हम धीरे धीरे चैप्टर के एंड पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है, हमारी कल तक जो है 40 की सीरीज जो सेक्शन थी वो हमारी फिनिश हो चुकी है। आज हम 50 की सीरीज स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेक्शन 15। सेक्शन 50 किस बारे में बात आता है? कैपिटल गेन्स, ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स। हमने जब ये चैप्टर पीजीपी में पढ़ा था आपको बहुत अच्छे से याद होगा, हमने पीजीपी में पढ़ा था कि अगर कोई भी एसेट, कोई कई कैपिटल एसेट, बिजनेस की कैपिटल एसेट, अगर उसको सोल्ड करते हैं तो उसके सेक्शन चार लगता है आपका, सेक्शन 51 एंड सेक्शन 52। जहाँ आपको अच्छे से याद होगा, हमने पढ़ा था इसको छोटा भाई एंड बड़ा भाई, सेक्शन 51 छोटा भाई एंड सेक्शन 52 बड़ा भाई। सो डेप्रिशिएबल एसेट्स का यहाँ पर जो मतलब है वो किस से रिलेटेड है? यहाँ पर बिजनेस एसेट से मतलब है। डेप्रिशिएबल एसेट्स मीन्स बिजनेस एसेट्स। ठीक है, अगर कोई और टाइप की अगर कोई एसेट होगी तो उस पर तो कैपिटल गेन लगा लगेगा, लेकिन अगर कोई बिजनेस एसेट है और उस पर डेप्रिसिएट लग रहा है तो उस पर कैपिटल गेन कैसे अराइज होगा, आज हम वो देखेंगे। वैसे तो मैं आपसे वो डिस्कस, मैंने उस टाइम जब पी जी वी लिया था तब मैंने आपको पी जी वी पी को एक्सप्लेन करने के, मैंने वहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल लिया था कि कैसे पी जी वी पी कब कब अराइज होता है, कौन से केस में होता है। दैट मीन्स अगर 51 होता है तो अगर मान लीजिए ब्लॉक ऑफ एसेट पूरी अभी भी एम्प्टी नहीं हुई, अभी भी कोई एसेट अभी भी उस ब्लॉक ऑफ एसेट में बची हुई है, तो उस केस में पीजीबी का होता है एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का होता है। बट अगर सेक्शन 52 लगता है तो उस केस में तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता ही आता है। ठीक है, अच्छा सर, आप बार बार जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोल रहे हो, इस केस में आप लॉन्ग टर्म वर्ड यूज़ नहीं करा। देखिए, अगर कोई भी, अगर हम जब भी कैपिटल गेन निकालते हैं ऑन डेप्रिसिएबल एसेट्स तो वो आपका हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ ही नहीं सकता। सर क्यों? देखिए जरा ध्यान से, चलिए इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सेवनटीन, एटीन, नाइनटीन एंड 20, ये एसेट जो है इस ईयर में परचेज किए 4 रुपीज़ 10 लाख, डेट लिख देते हैं मान लीजिए 1 जुलाई 2017। ठीक है, अब मान लीजिए डेप्रिसिएशन रेट है एवरी ईयर वो कितना है, 25% डेप्रिसिएबल रेट है। ठीक है, सो बताइए कि आप बताइए 17 ईयर के फाइनेंशियल ईयर के यानी कि एंड में इसकी ओपनिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, ओपनिंग डब्ल्यू डी वी क्या बन जाएगी? 10 लाख माइनस 25%, दैट मीन्स कितनी वैल्यू बन जाएगी आपकी, 7,50,000। ठीक है, फिर ओपनिंग वैल्यू ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर कितनी होगी, ओपनिंग डब्ल्यू डी वी दैट इज 5,62,500, यही होगा। ठीक है, अब मान लीजिए इस पॉइंट पे आके ये एसेट जो सोल्ड हो गई, सोल्ड ऑन 30 नवंबर 2019 4 रुपीज़ 3,60,000। ठीक है, ये एग्जांपल आपका 1 जुलाई 2017 को ये एक कैपिटल एसेट परचेज की है 4 रुपीज़ 10 लाख एंड उस पर हर साल 25% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। ठीक है, ऑन डब्ल्यू डी बी मैथड। सो 18-19 के ओपनिंग जो फाइनेंशियल ईयर है, ओपनिंग डब्ल्यू डी बी क्या होगी, 10 लाख लेस 25% दैट इज 7,50,000। देन ओपनिंग डब्ल्यू डी बी डी बी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 कितना होगा, 5,62,500। नाउ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 दिस डेप्रिशिएबल एसेट्स हैव बीन सोल्ड ऑफ रुपीज़ 3,60,000 ऑन 30th नवंबर 2019।
19. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट कैपिटल गेन, आरआईजोआ यानी वो देखना। देखिए पहले तो आप एक कंसर्न समझिए कि मैंने यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों नहीं यूज़ करा। आप ज़रा ध्यान से देखिए, इस साल इसकी वैल्यू कितनी थी? 10 लाख। नेक्स्ट ईयर कितनी होगी? 7,50,000। उसके बाद कितनी होगी? 5,52,000, 5,62,500। दैट मीन्स एवरी ईयर वी नीड टू कैलकुलेट अ फ्रेश वैल्यू ऑफ दैट कैपिटल एसेट। ठीक है, सो उसमें जब भी हमें हर साल निकालना है तो देखिए हर साल वैल्यू चेंज हो रही है, तो इस वजह से हम इसको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो ही नहीं सकता। आपको देखिए, आपका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सेल कंसिडरेशन लेस इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। चलो एक बार थोड़ी देर इसको बुलाते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें क्या लोगे? 10 लाख आप ले नहीं सकते, खरीदे तो आप 10 लाख आप ले नहीं सकते, क्योंकि इसकी ओपनिंग डब्ल्यू डब्ल्यू आज की वैल्यू कितनी है? 5,62,500। और ये कौन से ईयर की है? ये तो इन द बिगिनिंग ऑफ, यानी कि दैट मीन्स ऑन 1 अप्रैल 2019 की है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो आपका इसी डेट से ही आपका स्टार्ट होगा, तो ये तो आपका हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही अराइज होगा आपका। ठीक है, सो हमेशा याद रखना, वेन एवर यू आर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स, देर विल ऑलवेज अराइज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए सेल कंसिडरेशन कितना होगा, कितने हुए देखिए सोल सोलॉट की। अच्छा सॉरी, इस केस में हम जो है इस तरह से सोल्व नहीं करते, ध्यान से देखिए कैसे सोल्व करना होता है उसको। आप यहाँ पर लिखेंगे डब्ल्यू डी वी ऑन 1 अप्रैल 2019। देखिए ऑन 1 अप्रैल कितनी वैल्यू थी उसकी? 5,62,500। अगर कोई एडिशनल कैपिटल एसेट परचेज की है तो यहाँ पर लिखेंगे, बट हमारे केस में नहीं है। देन माइनस करेंगे हम मनी पेबल। आपको अच्छे से याद है हमने पीजी भी पढ़ा था कि मनी पेबल का मतलब क्या है। यहाँ पर मनी पेबल का मतलब क्या है? मनी रिसीव्ड बाय सेलर फ्रॉम द बायर। ठीक है, तो यहाँ पर मनी पेबल आएगा, अमाउंट कितना है देखिए, कितने में सोल आउट की? एट 3,60,000, वो लेस करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2,62,500। ये क्या आ गया आपका? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, दिस इज द वे टू कंप्यूट कैपिटल गेन ऑन डेप्रिसिएबल एसेट्स। बहुत इजी है। ठीक है, आपको बस हमेशा एक ही जो इसमें कंसेप्ट है वो याद रखना है, दैट देयर इज ऑलवेज अराइज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 50C। इसका नाम क्या है? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इजी है, बस ध्यान से समझना आपको। देखिए स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ये सेक्शन 50C के अंडर आता है। ये कब एप्लीकेबल होता है? पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होती क्या है। देखिए स्टैंप ड्यूटी का भी, मान लीजिए अगर आप कोई भी घर या कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो उस एरिया के अकॉर्डिंग उसका सर्कल रेट लिखते हैं। सर्कल रेट के अकॉर्डिंग उसका चेक करते हैं उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या आएगी। फॉर एग्जाम्पल
मान लीजिए कोई एक ज़मीन खरीद रहे हो आप, ठीक है, और उसका मान लीजिए आप उसकी जो वैल्यू है वो कितना रही है, 70,000 पर स्क्वायर फीट, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी, अगर आप मल्टीप्लाई इसको 100 कर दीजिए, तो कितनी वैल्यू जाएगी, 70 लाख उस ज़मीन की वैल्यू, उस घर की, मेरे घर की वैल्यू, ठीक है। यानी कि एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए उस सर्कल के रेट के साथ, उस लोकेशन के साथ से, ठीक है। बट अगर मान लीजिए आपने ये घर 70 लाख में ना लिखे, आप इसको ले रहे हो 60 लाख में, तो हम इसकी कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे एज सेल कंसिडरेशन और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कौन सी वैल्यू हमें कंसिडर करनी है वो हमें देखना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, अगर जब तक आपको क्वेश्चन में ना गिवन हो, तब तक आप सेक्शन 50 टच नहीं कर सकते। यानी कि सेक्शन 50 सी तभी ट्रिक होगा, ठीक है, तभी आएगा जब आपके स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन हो, अदरवाइज आपको सेक्शन 50 सी टच करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस केस में जो आपको सेल कंसिडरेशन वैल्यू लेनी है वो कैसे लेनी है, दैट मीन्स फॉर द प्रीवियस ईयर 1920, यानी जो हमारा करंट चल रहा है, ठीक है, फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 ये एप्लीकेबल होगा। कितना रेट एप्लीकेबल होगा, अगर SDV यानी कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर ज़्यादा है किससे, 105% ऑफ सेल कंसिडरेशन। मान लीजिए आप SSC हो, आपने कोई घर बेचा, ठीक है, उसकी वैल्यू आप बता रहे हो 60 लाख, जबकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी आ रही है, 70 लाख, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 60 लाख में आप इसको 5% और ऐड करोगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63 लाख। तो आपको देखना है, इधर आपको कंपेयर करना है 63 लाख एंड 70 लाख, विच एवर इज मोर विल बी टेकन एज सेल कंसीडरेशन। आई रिपीट, पहले तो आपको देखना है कि वेदर द क्वेश्चन सेइंग अबाउट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और नॉट, इफ इट इज साइलेंट देन इग्नोर दिस सेक्शन, अगर गिवन है देन यू टू कंपेयर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू फ्रॉम दी सेल कंसिडरेशन, ठीक है। तो अगर उस, तो जितनी वैल्यू सेल कंसिडरेशन गिवन है उसमें आप 5% ऐड कर दो, फिर उसको कंपेयर करो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से। इफ दिस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू स्टिल मोर देन दी 105% ऑफ सेल कंसिडरेशन, देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑलवेज इक्विवेलेंट टू सेल कंसिडरेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर 2020, दैट मीन्स फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स यही रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। इफ SDV इज मोर देन 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन, ठीक है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स ट्रांसफर अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन 15 फेब 2020, सेल कंसिडरेशन गिवन बिलो इन डिफरेंट सिचुएशंस, इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 8 लाख, दैट मीन्स आपको इंडेक्सेशन कैलकुलेट करके दिया हुआ ऑलरेडी, आपको कैलकुलेट कर नहीं करना। फाइंड आउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। देखिए आपको 6 सिचुएशन गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, स्टैंप ड्यूटी आपको डिफरेंट दी हुई है, सेल कंसिडरेशन में आपको आपका एज पर एग्रीमेंट गिवन है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है आपको, आपको सिचुएशन गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन आपको गिवन है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू,
देखिए कितनी कितनी गिवन है, 65, 63, 61, 83, 83, 84, 84। ये आपको स्टैंप ड्यूटी वाली गिवन है। देन आपको गिवन है सेल कंसीडरेशन एज पर एग्रीमेंट, 60, 60, 60, 80, 80, 80। सेल कंसीडरेशन एज पर अग्रीमेंट, देखिए फॉर द टाइमिंग आप इसको तो भूल गई है, मैंने सिर्फ आपके नॉलेज बेस पे लिखा होगा, ठीक है। तो आपके लिए तो अभी ये प्रीवियस ईयर के लिए यही चलेगा, तो अभी आपके किसी भी फोकस के लिए देखिए क्या बोल रहा था इसमें। आपको क्या दिखाई दिखा है, जो भी आपको सेल कंस्ट्रक्ट जितने भी आपको गिवन है, उसको आप यहाँ पर 105% या वैल्यू यहाँ लिख दो, ठीक है। इसी की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, 63 लाख, 63 लाख, 63 लाख, 84 लाख, 84 एंड अगेन 84। यह आपको गिवन है। नाउ यू टू कंपेयर, मान लीजिए मैं यहाँ पर कॉलम नंबर लिख देता हूँ, ये मैं लिख दूँ कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। अब आपको कंपेरिजन किसमें करना है, दिस एंड दिस। दैट मीन्स इफ एच डी वी, दैट मीन्स स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज स्टिल मोर देन 105% ऑफ सेल कंसिडरेशन, देन ऑलवेज कंसिडर सेल कंसिडरेशन इक्विवेलेंट टू एच डी वी, दैट इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है। सो ऊपर मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कितनी कितनी होगी, देखिए पहले केस में 65 लाख, थर्ड केस में देखिए क्या है, कंपेरिजन कीजिए 63 एंड 63। मैंने आपको क्या लिखा था, इफ इट इज मोर लेस देन और इक्वल टू, तो फिर आप क्या लोगे, जो वैल्यू गिवन है वही लोगे, ठीक है। दैट मीन्स 63 लाख, देन कंपेयर 61 एंड 63, ठीक है। तो आप क्या लोगे इसमें, आप इसमें इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, 63 ही आएगी, ठीक है। सॉरी देखिए कंपेयर करना है आपको बिटवीन एस डी बी एंड 105%, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या, एस डी बी जो इससे कम है 105% से, और सेल कैंसिल कितना है, 60 लाख। तो यहाँ पर जो है आप एक्चुअल लोगी लोगे वो कितनी आएगी, 60 लाख ही आएगी। सेम यहाँ पर भी आपका 60 लाख ही आएगा। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक्चुअल सेल्स कैसे लेनी है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू कंपेयर द सेल एस डी, दैट इज स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विद 105% ऑफ सेल कंसिडरेशन, ठीक है। कंपेयर करोगे, अगर ये ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है तो इसमें आप यही लोगे एस डी वी, ठीक है। अब ये ज़्यादा नहीं आ रहा तो आप किसको कंसिडर करोगे, सेल कंसिडरेशन जो आपका एग्रीमेंट है। सेम देखिए ये ज़्यादा नहीं आ रहा तो आप क्या लोगे, ये लोगे, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको एस डी वी और 105% कम आ रहा है, दैट मीन्स क्या वैल्यू कंसिडर करोगे आप, ये लोगे, ठीक है। इसमें भी आपको यही लेना पड़ेगा एंड इसमें भी आपको यही लेना पड़ेगा, ठीक है।
ये होगी आपकी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। दैट मीन्स आपको बस क्या करना है, जो भी सेल कंसिडरेशन है उसमें आपको 105% करना है, ऐड करना है। देन यू जस्ट नीड टू कंपेयर विद स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। इफ दिस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 105% ऑफ सेल कंसेशन, देन ऑलवेज टेक स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, अदरवाइज टेक सेल कंसेशन एज पर एग्रीमेंट। ओके, सो ये था आपका सेक्शन 51, 6050 सी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपका सेक्शन 51 किसके बारे में बताता है आपको, ये व्हेन एडवांस मनी फॉरफिटेड। यहाँ पर क्या होता है, सपोज यू आर नेसेसरी एंड यू आर गोइंग टू सेल अ प्रॉपर्टी एंड यू एक्चुअली केम अप विद एन एग्रीमेंट विद अनदर पार्टी एंड यू हैव अग्रीड सम सेल कंसिडरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेल कंसिडरेशन यू हैव एक्चुअली रिसीव्ड एन एडवांस मनी, सपोज 10% एडवांस मनी एंड देर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द सेकेंड पार्टी दैट द रेस्ट ऑफ द अमाउंट दैट इज 90% रेस्ट अमाउंट विल बी पेड बाई सेकेंड पार्टी विद इन 30 डेज। Now, the second party failed to make payment on time. Now, you have a right to forfeit that advance money. Okay, so in that case, if you have received any kind of advance money and you have forfeited, then how to compute capital gain? ठीक है, बहुत अच्छे से समझना आपको, बहुत अच्छा कंसेप्ट है और बहुत अच्छे से तरीके से आपको समझना है। अगर आपने एडवांस मनी रिसीव किया अप टू 2013 to 2014 तक, और फिर दूसरा केस है अगर आपने एडवांस मनी फॉरफिट किया ऑन और आफ्टर 2014-15 से, ऑन और आफ्टर 2014-15, ठीक है, ये दो केस आपके। फर्स्ट में क्या होगा, नो नॉट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट, यानी कि अगर आपने किसी से एडवांस मनी रिसीव किया हो और आपने उसको फॉरफिट कर लिया होगा, पर अगर आपने उसकी जो अमाउंट है वो आपने 2013-14 फाइनेंशियल ईयर तक अगर आपने उसको लिया हुआ है, रिसीव किया हुआ है, सो वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, टैक्सेबल ही नहीं होगा। तो सर उसका आगे ट्रीटमेंट क्या होगा, हाउएवर द फॉरफिटेड अमाउंट will be deducted from cost of acquisition at the time of sale. यानी कि जब आप उस कैपिटल एसेट को जिस पे आपने एडवांस मनी फॉरफिट की हुई है, अगर वही सेम कैपिटल एसेट अगर आप इन फ्यूचर किसी और को सेल ऑफ करते हो, सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से आपका ये फॉरफिटेड अमाउंट लेस हो जाएगा। दैट मीन्स जितने आपने वो प्रॉपर्टी परचेस की होगी उसमें से आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसमें से पहले ही जितना आपने ऑलरेडी फॉरफिटेड अमाउंट ऑलरेडी रिसीव किया वो लेस हो जाएगा, ठीक है। बट इसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है, यानी कि जिस पर्सन ने ये एडवांस मनी फॉरफिट किया है वही सेम पर्सन उसको जो इसको उसी प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर रहा है। जैसे गिफ्ट के केस में होता है, जैसे मान लीजिए मान लीजिए किसी एक्स पर्सन ने अपने बेटे वाई को एक प्रॉपर्टी जो है गिफ्ट कर दी। अब मान लीजिए एक्स ने कभी कोई अमाउंट जो उस प्रॉपर्टी को बेचने में कोई अमाउंट जो फॉरफिट किया हुआ,
ठीक है, तो उसका बेनिफिट जो है वो एक्स नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसने प्रॉपर्टी बेची नहीं है, तो उसका बेनिफिट कौन लेगा? वाई लेगा। लेकिन वाई के लिए कंडीशन क्या है कि अगर वो एडवांस मनी जो है 2013-14 तक रिसीव किया हो, अगर मान लीजिए 14-15 में किया तो वो इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इस कैटेगरी में देखिए क्या है, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट अंडर हेड IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। दैट मीन्स दिस अमाउंट विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम दी COA एट द टाइम ऑफ कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर। मैं कंसेप्ट एक बार अच्छे से और फिर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेलअप करी है, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को बेचने से और आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हो, सॉरी बेचने नहीं बेचने जा रहे हो, अगर आप किसी सेकेंड पर्सन के साथ आप एग्रीमेंट कर लिया, और अगर आपने उससे कोई भी अमाउंट अगर आपने एडवांस में रिसीव किया हुआ है, और वो ड्यू टू सम रीज़न सेकेंड पार्टी डिडंट मेक एनी पेमेंट विद इन दी स्टिपुलेटेड टाइम, देन यू हैव अ राइट टू फॉरफिट दैट एडवांस मनी। नाउ द क्वेश्चन अराइज हेयर, हाउ डू वी कैलकुलेट कैपिटल गेन इन दिस सिनेरियो? सो इसमें दो केस होते हैं। अगर आपने वो एडवांस मनी प्रीवियस ईयर 2013-14 तक अगर आपने रिसीव किया है, ठीक है, जैसे 2011 में हो सकता है, 12 में हो सकता है, 13-14 में हो सकता है, या उससे पहले हो सकता है, कभी भी रिसीव किया हो, बट 2013 के बाद में होना चाहिए। अगर आपने रिसीव किया है तो जो आपने एडवांस जो एडवांस मनी किया है उसका आपको बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उस पर टैक्स ही नहीं दिया। पहले तो गवर्नमेंट ने मना करती कि टैक्स ही नहीं है, ठीक है, बट आपको तो बेनिफिट मिल चुका है ना। तो इसके कारण जब आप उस प्रॉपर्टी को बेचोगे, जब उस प्रॉपर्टी को बेचोगे, तब हम क्या करते हैं, सेल कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितना भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसमें से हम लेस कर देंगे ये अमाउंट, जितना भी आपने फॉरफिट अमाउंट रिसीव किया हो। ठीक है, नेक्स्ट, वही अगर फॉरफिट अमाउंट अगर आपने 14-15 से या फिर 14-15 के बाद रिसीव किया है, तो पूरा का पूरा अमाउंट जो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो आपको कुछ करना नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स हो जाएगा। बाकी जब कैपिटल जब आप कैपिटल ऐसे बेचोगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही लोगे जो कि प्रीवियस ओनर के लिए या फिर रियल ओनर के लिए। ठीक है, इसका हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके जाते हैं ताकि आपको इसकी ब्रीफ स्टडी हो जाए कि मैं इसके बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्स परचेजेस अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन 8 सितंबर 2000 फॉर ₹81,000 फॉर हिज ओन रेजिडेंस। ऑन अप्रैल 2004 ही एंटर्ड इन टू एन एग्रीमेंट टू सेल द हाउस टू ए फॉर ₹4,50,000 आफ्टर रिसीविंग एन एडवांस ऑफ ₹20,000। ऑन एज फेलियर टू पे द बैलेंस विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 35 days, एक्स फॉरफिटेड द एडवांस मनी। नाउ एक्स डाइड ऑन 12th of October 2012 फॉर एज पर द विल द प्रॉपर्टी इज गिवन टू मिसेस एक्स। मिसेस एक्स एंटर इन टू एन एग्रीमेंट ऑन 30 जन 2012 टू सेल द प्रॉपर्टी टू बी आफ्टर रिसीविंग एन एग्रीमेंट आफ्टर रिसीव एन एडवांस ऑफ ₹80,000 एंड बीस फेलियर टू पे द बैलेंस विद इन 2 months एज पर द एग्रीमेंट द एडवांस मनी इज फॉरफिटेड बाई मिसिज एक्स। नाउ शी केम इन टू अनदर एग्रीमेंट विद सी ऑन 31st October 2018 आफ्टर रिसीविंग एडवांस ऑफ ₹1,00,000 एंड सी कुड नॉट पे द बैलेंस एंड दिस अमाउंट ऑल्सो फॉरफिटेड एंड देन लास्ट मिसिज एक्स अल्टीमेटली सेल दिस प्रॉपर्टी टू मिस्टर वाई ऑन 29 अप्रैल 2019 ऑफ ₹52,50,000 बाई पेइंग ब्रोकरेज 2%। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट चार्जेबल इनकम फॉर द असेसमेंट 2021 ऑन द असम्पशन दैट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 1st अप्रैल 2001 वॉज ₹60,000 और 32,000 30 लाख 3 लाख 20,000।
देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमको इस क्वेश्चन के एक बार अच्छे से एक ब्लू प्रिंट बनाया था माइंड में कि इसको कैसे सॉल्व करना। देखिए मिस्टर एक्स ने पहले जो प्रॉपर्टी खरीदी थी वो कब खरीदी थी? 2000 में खरीदी, 81,000 में। अब आपको अच्छे से पता है कि 2001 से पहले जो भी वैल्यू हुई थी उसको हम कंसिडर कर उसको हम कंसिडर करेंगे कब? वेन वी हैव फेयर मार्केट वैल्यू फॉर फॉर द ईयर 2000। कंपेयर करेंगे 80,000 लेंगे या तो हम 60,000 लेंगे। दो केस दे रखे हैं आपको, इधर टू हमें को 60,000 से लेके चलना है एंड 3,20,000 से लेके चलना है, तो बीच में हायर लिखेंगे। सो 80,000 पहले अगर ए केस करेंगे तो देखेंगे 60,000 और 80,000 बीच में हायर, दैट इज़ हम करेंगे 80,000। सो देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, कितनी आएगी? 81,000 सॉरी। देन ऑन 1 अप्रैल 2004 ही एंटर इन टू एन एग्रीमेंट टू सेल द हाउस टू ए फॉर रुपीज 4,50,000 आफ्टर रिसीविंग एन एडवांस ऑफ रुपीज 20,000। ऑन ए इज फेलियर टू पे द बैलेंस मनी इज फॉरफिटेड, एक्स डाइज। अब जरा यहाँ रुक जाइए, जिस पर्सन ने पहले ये अमाउंट जो फॉरफिट किया था, कितना अमाउंट फॉरफिट किया था? 20,000, वो फॉरफिट कर लिया। अब वो इंसान जो मर गया, अब वो आगे इस प्रॉपर्टी को बेचेगा नहीं, और एज पर भी वो किसी और को प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर हो चुकी है। तो एक्स का जो आगे जो भी प्रॉपर्टी बेचेगा उसको इसका ये इसका कुछ नहीं करेगा। दैट मीन्स जो 20,000 है वो किसको मिला? एक्स को मिला, किसी और दूसरे को पर्सन को नहीं मिला। ठीक है, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एक्स डाइड ऑन 12 अक्टूबर 2004 एंड एज पर द विल द प्रॉपर्टी इज गिवन टू मिसेस एक्स। नाउ मिसेस एक्स एंटर इन टू एन एग्रीमेंट ऑन 13 जून 2012 टू सेल द प्रॉपर्टी आफ्टर रिसीविंग एन एडवांस ऑफ रुपीज 80,000। देखो ये जो 80,000 जो एडवांस मांगा ये कौन से ईयर में मिला? 2011-12 मिला, दैट मीन्स बिफोर 13-14। तो इसका क्या होगा, जब मिसेस एक्स जब अल्टीमेटली अपनी प्रॉपर्टी बेचेगी तो उसमें से ये 80,000 अमाउंट है वो सी ओ ए में से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन उस वो एक और अग्रीमेंट में आई थी, अग्रीमेंट किया था उसने कब? 2018-19 में, दैट मीन्स आफ्टर 13-14। तो उस केस में जो 1 लाख रुपए है वो कौन से ईयर में कहाँ पर टैक्सीबल होगा? वो होगा असेसमेंट ईयर 19-20 में, कौन से हेड में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये पूरा 1 लाख वहाँ पर टैक्सीबल हो जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा। देखिए मैं वही समझा रहा था आपको, अगर अमाउंट फॉरफिटेड 2014 या 14 के बाद किया है तो जितना भी अमाउंट फॉरफिट किया है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सीबल हो जाएगा जिस ईयर में आपने वो फॉरफिट अमाउंट रिसीव किया। एंड देन मिसेस एस अल्टीमेटली सेल दिस प्रॉपर्टी टू बाई ऑन 20 अप्रैल 2019 फॉर रुपीज 50,50,000। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले देखिए चेंज से करेंगे धीरे धीरे। पहले आपको पता है कि एक एक तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम आ रहा चाहिए, वो कौन सी ईयर में आई है ध्यान से देखिए। कब आपने ये परचेज कब ये एडवांस मनी रिसीव हुआ था? इन द ईयर 1819। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। ये अमाउंट यहाँ पे कितना देगा? 1 लाख। चाहे आप ब्रैकेट में लिख देना अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस एंड फॉरफिटेड। ठीक है, देन कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिसेस एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। पहले क्या लिखेंगे हम, सेल्स कंसिडरेशन अमाउंटिंग रुपीज 52,50,000
करेंगे इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब देखिए ये प्रॉपर्टी बिल के थ्रू आई है, बिल के थ्रू आई है, ठीक है, चाहे वो बिल के थ्रू आए चाहे गिफ्ट के थ्रू आए, हमें जो एक्विजिशन अमाउंट लेना है वो कौन सा लेना है, प्रीवियस ओनर का लेना है। तो प्रीवियस ओनर का देखिए कितना अमाउंट था, 81,000, ठीक है। मैंने 81,000 क्यों बोला, क्योंकि देखिए हमें फेयर मार्केट वैल्यू जो गिवन है फर्स्ट पार्ट की कितनी गिवन है, 60,000। सो वी विल टेक हायर ऑफ दिस, इट मीन्स कितना आएगा 81,000। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा 81,000। अब इसमें से जितना अमाउंट फॉरफिट किया है 2013-14 से पहले, कितना अमाउंट देखिए रिसीव किया हुआ है, दैट इज ऑफ रुपीज 80,000, वो डिडक्ट हो जाएगा। कितना हुआ 1,000, बस अब इसी को लेकर चलना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आएगा, 289 डिवाइड बाई 100, यह रहेगा आपका 2890, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि ये कैसे आया था, मैंने आपको बताया था अगर कोई भी अमाउंट अगर प्रॉफिट किया है और वो अमाउंट जो कब रिसीव किया है देखिए ज़रा, अप टू 13-14, तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या जाएगा, एक तो टैक्स बढ़ जाएगा रिसिवेंट के हाथ में, टैक्सेबल नहीं होगा, बट द अमाउंट फॉरफिट अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एट द टाइम ऑफ सेल। नेक्स्ट अब क्या लेस करेंगे, देखिए हमें इम्प्रूवमेंट तो कुछ गिवन ही नहीं है, बट हम ब्रोकरेज अमाउंट गिवन है, देखिए 2% गिवन है, 2% किसका लेंगे हम, 52,50,000, ठीक है। सो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर वन लैख 5,000, ये टोटल मेरा होगा 51,42,110 LTCG, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये हमारा कौन सा केस है, वैन FMV ऑन 1 अप्रैल 2001 कितनी है, 60,000 परसेंट लेके चलते हैं, ठीक है। अब सेकंड केस लेके चलते हैं, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। अब इसमें लिखना वैन फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 कितनी है, 3,20,000। इस कंसीडरेशन टू लैख 50,000 लेस इंडेक्स सेक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और यहाँ पर क्या लोगे 81,000 और 3,20,000 विच अगर हायर, सो 3,20,000 इसमें से लेस करेंगे पहले हम अमाउंट फॉरफिटेड कितना था 80,000 वो लेस करेंगे पहले हम, विच कम्स टू अमाउंट रुपीज 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय 100। सिक्स लैख 93,600 बाकी देखिए सबसे मिलेगा एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 1,05,000 विल गेट
एलटीसीजी। ₹44,31,400। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन इन द केस ऑफ व्हेन द अमाउंट ऑफ एडवांस मनी इज फॉरफिटेड। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।